देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी नए जगह जाते हैं और वहाँ कोई लड़की अचानक मिल जाती है और हमें घूरती रहती है, मानो वो लड़की हमें जानती हो। बहुत बार तो लड़की इशारे करती है, स्माइल करती है, हम लड़की सिचुएशन को नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कन्फर्म नहीं होते कि लड़की क्या चाहती है, क्योंकि हमें डर भी होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो हम ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। देखो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कभी सिचुएशन आए तो सबसे पहले लड़की का आई कांटेक्ट जीतो, उससे नज़रें मिलाओ और नज़रें मत हटाओ। यह ध्यान देना, तुम्हें उसे घूरना नहीं है, ना ही गुस्से से देखना है। देखो, ऐसे तो नज़र सभी मिलाते हैं, लेकिन दिल में फीलिंग हो तो नज़र बदल जाती है। लड़कों का प्यार टॉर्च की तरह होता है, बटन दबाते ही प्यार हो जाता है और बटन दबाते ही प्यार ख़त्म। लड़की सामने से जा रही है तो तभी लड़के को प्यार हो जाता है, उसके बारे में सपने देखने लगते हैं। लड़की के वहाँ से गुजर जाने के बाद प्यार भी खत्म हो जाता है, लड़के उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन लड़कियों का प्यार ओवन की तरह होता है, जो धीरे धीरे शुरू होता है और धीरे धीरे ख़त्म। लड़कियों को तो बॉयफ्रेंड से प्यार होने में भी 6 महीने लग जाते हैं, वो तो अपने पति से भी प्यार करने में महीनों लगा देती है। लेकिन लड़कियों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें अचानक किसी से प्यार हो जाता है, वो लड़की को देख कर गंदा गंदा सोचती है और उसकी तरफ घूरती रहती है। देखो, ज़रूरी नहीं कि लड़की को तुमसे प्यार हो जाए, लेकिन लड़की उस पर लड़के के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, तुम्हें बस सही टाइम पे सही कदम उठाना है। पहले तो लड़की से नज़र मिलाओ और दूसरी इंतज़ार करो कि लड़की कब स्माइल करती है। लड़की जैसे ही स्माइल करे, तुम्हें भी एक ज़बरदस्त स्माइल करनी है। यह भी अगर दिल में फीलिंग हो तो स्माइल बदल जाती है, तुम्हें ये स्माइल के खेल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलना होगा। अगर तुम एक कदम भी चूके तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। देखो, स्माइल का मतलब होता है आओ मुझसे प्यार करो, स्माइल को प्यार का इनविटेशन माना जाता है। अब कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है तो तुम उसे देखकर थप्पड़ थोड़ी ना मारोगे, ना ही पैसे निकाल के दे दोगे। देखो, लड़कियों की स्माइल कितना ज़बरदस्त होता है, वो लड़कों पर कितना बढ़िया असर करती है ना। लेकिन आप ये नहीं जानते कि लड़कों का स्माइल भी लड़कियों पर ज़बरदस्त असर करती है, इसीलिए लड़की की स्माइल का जवाब प्यार भरी स्माइल से दो। अब लड़की जिस स्टाइल में बैठी है या खड़ी है, तुम भी वो स्टाइल में खड़े हो जाओ। जैसे लड़की दोनों हाथों को बांधकर खड़ी है तो तुम भी वैसे ही खड़े हो जाओ। अगर वो एक हाथ से फ़ोन पकड़ी है तो तुम भी एक हाथ से फ़ोन पकड़ो। लड़की ने चेहरे पर हाथ रखा है तो तुम भी वैसे हाथ रखो, इससे उसका ध्यान आकर्षित होगा तुम्हारी तरफ और लगातार मुस्कुराते रहो। पहले तो स्माइल से लड़की का दिमाग बंद हो जाता है, दूसरा स्माइल फ्रेंडली और कंफर्ट जोन पैदा करता है, लड़की को तुम सुरक्षित नजर आते हो। जैसे मान लो पुलिस वाले ने तुम्हें रोक लिया है, तब तुम सोचोगे अरे यार क्या हो गया, अब पता नहीं है क्या क्या पूछेगा। वही अगर वो तुमसे स्माइल करके बात करे तो तुम कितना लाइट फील करोगे, है ना। ये सिग्नल हर बार 100% रिजल्ट देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, वो देख भी नहीं रही और तुम स्माइल करते जा रहे हो। शांत चेहरा रखो, वो आगे से नज़र मिलाए, स्माइल करे या इशारा करे तो तुम्हारा स्माइल एकदम से फैल जानी चाहिए। जब तुम मुस्कुराते हो तो लड़की का दिमाग बंद पड़ जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग कमज़ोर पड़ने लगता है, वो तुम्हें धुतकार नहीं सकती, उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बार तो ऐसा देखने में आया है, लड़की कम्फर्ट जोन पाकर खुद आकर बात करती है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, वो आकर पूछती है क्या आप मुझे जानते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं बात को पलट देता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, अगर लड़की को उसके पूछे गए सवाल का जवाब मिल जाएगा तो बातें वही ख़त्म हो जाएगी, सो मैं बातों को बढ़ा देता हूँ। अगर लड़की तुमसे खुद आकर बात न करे तो तुम खुद जाकर उससे बात शुरू कर सकते हो, और यह बात ऐसे स्टार्ट करना है जैसे तुम्हारी जैसी लड़की को पहले भी देखा है, तुम यहाँ रोज़ आती हो। देखो, अगर बातचीत का सिलसिला अच्छा हो तो इंट्रोडक्शन लेकर या देकर टाइम वेस्ट मत करो। अगर लड़की ने तुम्हें खुद का इंट्रो दिया या तुमने उससे नंबर या उसका इंट्रो पूछा तो उसके दिमाग में यह ख्याल आएगा हम दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन हमें आज ही सब कुछ करना है और जितना भी वक्त मिले उसे इंजॉय करना है। बातों ही बातों में उससे कहो चलो वहाँ जाकर बैठते हैं या चलो वहाँ कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद उसका हाथ पकड़ो, वो एतराज़ ना करे तो उसे चूम सकते हो। आगे क्या होगा आप खुद समझदार हो।